में प्याज के दाम किसानों और सरकार दोनों के लिए मुसीबत बन रहे। एक तरफ किसान कम दाम मिलने से दुखी है तो वहीं दूसरी तरफ किसानों के पैदल मार्च में सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। सूबे की एकनाथ शिंदे सरकार इसलिए भी परेशान है क्योंकि किसानों ने सरकार की खैरात को ठुकरा दिया है और नासिक से मुंबई के लिए पैदल मार्च शुरू कर दिया है। ऑल इंडिया किसान सभा और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में 10,000 के करीब आदिवासी किसान मुंबई के लिए निकल पड़े हैं। प्याज के दाम समेत 17 सूत्रीय मांगों को लेकर पैदल मार्च किया जा रहा है। ये सभी किसान मुंबई पहुंचकर आजाद मैदान में धरना देंगे। अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले नासिक से मुंबई तक 180 किलोमीटर का पैदल मार्च किया जा रहा है। साल 2018 के बाद नासिक में इस तरह का ये तीसरा आंदोलन है। हालांकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को मंत्रालय में वार्ता के लिए आयोजकों को आमंत्रित किया, लेकिन इसे दरकिनार कर किसानों ने मुंबई के लिए अपनी पैदल यात्रा शुरू कर दी है। अखिल भारतीय किसान सभा की महाराष्ट्र इकाई के महासचिव अजित नवाले ने आरोप लगाया कि सरकार का इरादा किसानों को राहत देने का नहीं है। उन्होंने कहा कि प्याज के दाम जब भी गिरे हैं वही पुरानी कहानी रही है, सरकार सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दे रही है। वही शिंदे फडणवीस सरकार किसान नेताओं के साथ बातचीत कर हल निकालने का प्रयास कर रही है ताकि आंदोलन खत्म हो जाए। डेस्क रिपोर्ट, मुंबई महानगर।